हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव डिस्कस योर टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस इन लीस्ट वैल्यू एंड सेकंड इज प्रिंसिपल वैल्यू, सेकंड इज प्रिंसिपल वैल्यू एंड थर्ड इज जनरल वैल्यू या जनरल सॉल्यूशन हम कह सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में हम इन तीन तरीके की वैल्यू को डिस्कस करेंगे। अभी तक आप लोगों ने हाई स्कूल लेवल पर इस वैल्यू को फाइंड अप किया था, लीस्ट वैल्यू को। किसी भी वैल्यू को हम लोग किस तरह से फाइंड कर रहे थे, उसकी लीस्ट वैल्यू को फाइंड कर रहे थे। तो सपोज दैट जैसे हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है, या फिर आप इस तरह से कहें कि साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ही है। तो देखिए, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 है, तो आप जरा याद करें आपने हाई स्कूल लेवल पर क्या किया था। 1/2 साइन के किस एंगल का मान होता है, ये हमारे पास होता है साइन 30। साइन 30 को अगर हम रेडियन में कहें, ठीक है, साइन 30 को अगर हम रेडियन में कहें तो ये हमारे पास वैल्यू होती है साइन पाई बाय 6। तो यहां से वैल्यू निकल करके आएगी पाई बाय 6, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। तो वैल्यू निकल करके आएगी पाई बाय 6, तो ये हमारे पास कहलाती है लीस्ट वैल्यू। ओके, ये साइन की कौन सी वैल्यू कहलाती है, लीस्ट वैल्यू कहलाती है, क्योंकि ये हमारे पास साइन की सबसे कम वैल्यू है। ठीक है, ये हमारे पास सबसे कम वैल्यू है। इसके बाद जितनी भी 1/2 पे वैल्यू मिलेंगी वो सारी वैल्यू आपको ग्रेटर मिलेंगी, यानी सबसे कम वैल्यू जो है वो हमारे पास लीस्ट वैल्यू है। ठीक है, यही लीस्ट वैल्यू कहलाएगी जो हमारे पास सबसे पहले मान मिलता है। ठीक है, साइन 1/2 का, तो 1/2 पर साइन का जो सबसे पहला मान मिलेगा वो पाई बाय 6 मिलेगा। इसके बाद अगर 1/2 की और वैल्यू को देखें तो और वैल्यू भी हमारे पास निकाली जा सकती हैं। आप देख सकते हैं कि साइन पॉजिटिव कहां कहां पर होगा। साइन पॉजिटिव अगर हम बात करें तो एक यहां पर इस क्वाड्रेंट में होगा और एक इस क्वाड्रेंट में होगा, सॉरी, एक हमारे पास इस क्वाड्रेंट में होगा और एक हमारे पास फिर से जब हम यहां पर 360 लेकर पहुंचेंगे तो फिर हमारे पास इस क्वाड्रेंट पर हो जाएगा। और भी इसी तरीके से वैल्यू हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए अगर हम बात करें इस वैल्यू पर, बात करें तो इस वैल्यू पर क्या होता है, यहां पर मैंने आपको बताया था कि ये वैल्यू होती है 90 माइनस थीटा, या फिर हमारे पास होता है 360 प्लस थीटा होता है। यहां पर आपके पास जो वैल्यू होती है, यहां पर वैल्यू आपके पास कैसे पहुंचती है, 90 प्लस थीटा होता है या फिर पाई माइनस थीटा होता है। यहां पर जब वैल्यू पहुंचती है तो ये होता है पाई प्लस थीटा, या फिर हम आपके पास कह सकते हैं 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा होता है। यहां पर कैसे पहुंचता है, 3π/2 प्लस थीटा होता है, और या फिर हम कह सकते हैं कि 2π/θ होता है। तो ये वैल्यू हमने यहां पर कही थी, और ये मैंने कहा था कि पाई बाय 2 और 3π/2 यानी 90 और 270 के केस में ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज चेंज होती हैं। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, कॉसेक का सेक, सेक का कॉसेक होता है। और जो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू आती है उसके अकॉर्डिंग आती है, ए मतलब ऑल पॉजिटिव, इस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव होते हैं। तो चलिए हम लीस्ट वैल्यू की बात करते हैं। तो यहां पर जो लीस्ट वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही है पाई बाय 6 आ रही है। अगर हम यहां से और भी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें, जैसे सपोज करें कि आपके पास ये पाई बाय 6 हमारे पास 1/2 निकल करके आ रहा है, तो साइन पॉजिटिव और कहां पर होगा, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि पाई बाय 6 के अलावा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई वैल्यू लानी है तो पाई माइनस थीटा करेंगे, तो ये हमारे पास होगा साइन का पाई और माइनस थीटा, मतलब पाई बाय 6 हमने यहां पर लिख दिया। तो देखिए, अगर हम पाई में से पाई बाय 6 अगर माइनस कर रहे हैं तो आपके पास साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर हम पाई से पाई बाय 6 को माइनस करते हैं तो वैल्यू आएगी हमारे पास 5π/6 हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं एक वैल्यू साइन की हमारे पास यहां से भी निकल रही है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5π/6। तो एक मान हमारे पास यहां से ये भी निकल रहा है। नेक्स्ट बात करें तो साइन 1/2 और भी कई मानों पर निकाला जा सकता है, ठीक है ना। तो और क्या मान हो सकता है भाई, हमारे पास जो साइन पॉजिटिव होगा यहां पर भी होगा, तो ये यहां पर वैल्यू क्या होगी, 360 प्लस थीटा, यानी 360 से अगर कोई बड़ी वैल्यू है तो उस पर भी आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी वैल्यू को निकालने की, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू, यहां से हो जाएगा साइन का क्या होगा, 2π और प्लस थीटा हो जाएगा। तो यहां पर भी वैल्यू आपके पास पॉजिटिव हो रही है, तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन का 6 2, हमारे पास क्या हो जाएगा, 12, और 12 और पाई कितना हो जाएगा हमारे पास, 13π/6। तो ये देखिए हमारे पास क्या है, 360 से बहुत बड़ी वैल्यू है। तो यहां पर भी आपके पास 1/2 पर इसकी ये वैल्यू भी मिल रही है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो 1/2 वैल्यू मिल रही है साइन एक्स पर, वो बहुत सारे मान मिल रहे हैं, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात करें तो और भी बहुत सारी बड़ी वैल्यूज हमारे पास यहां से हो सकती हैं, जिन पर आपके पास 1/2 मान हो सकता है, ठीक है। तो उन सभी मानों में से जो लीस्ट वैल्यू है वो सबसे पहली वैल्यू है जो साइन की निकलेगी 1/2 पर। तो इस तरह से लीस्ट वैल्यू हमारे पास आ गई पाई बाय 6।
अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू की। तो प्रिंसिपल वैल्यू जो हमारे पास कहती है वो हमारे पास निकल के होगी, अगर कोई वैल्यू हमारे पास क्या कर रही है, एक्स की जो वैल्यू है वो इसके बीच लाई कर रही है, जीरो इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स एंड ऑल्सो इज लेस देन टू पाई। यानी जो एक्स की वैल्यू है वो किसके बीच लाई करे, जीरो से टू पाई के बीच में लाई करे इंक्लूडिंग जीरो, तो हमारे पास वो प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी। तो आप देख सकते हैं जीरो से टू पाई का मतलब होता है ये जीरो है और इसका मतलब होता है 360। तो ये देखिए ये पाई बाय सिक्स हमारे पास जीरो से टू पाई के बीच में है। फाइव पाई बाय सिक्स की बात करें, देखिए पाई माइनस थीटा किया गया है, तो पाई माइनस थीटा किया गया तो ऑलरेडी इसका मतलब ये हो गया कि ये 360 से कम ही है, ठीक है। तो 360 से लेस ही है आपके पास, तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू हमारे पास यहां पर एग्जिस्ट कर रही है जीरो और टू पाई के बीच में। अब अगर इस वैल्यू की बात करें तो ये देखिए 360 से प्लस हो रहा है, तो 360 से प्लस हो रहा है इसका मतलब ऑब्वियसली ये जो वैल्यू आपके पास है वो आपके पास क्या है, टू पाई से ग्रेटर हो रही है। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल वैल्यू निकल करके आएगी वो दो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, एक ये और एक ये। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास क्या हो गई साइन की, 1/2 पर साइन की जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो हमारे पास दो वैल्यू को कंटेन करेगा, एक वैल्यू हमारे पास होगी पाई बाय सिक्स और दूसरी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5π/6। तो ये हमारे पास दो प्रिंसिपल वैल्यू होगी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जनरल सोल्यूशन की बात करेंगे, ओके। तो जनरल सोल्यूशन के लिए हमारे पास कुछ फार्मूले हैं, तो इनको हम फार्मूले को याद रखेंगे। तो नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या फार्मूला है, अगर कोई वैल्यू हमारे पास किस तरह से हो रही है, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा, अगर हमारे पास कोई वैल्यू हो रही है साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो इसकी जो लीस्ट वैल्यू है, इसकी लीस्ट वैल्यू क्या होगी, इसकी जो लीस्ट वैल्यू है वो हमारे पास है एक्स इज इक्वल टू अल्फा। तो ये अगर लीस्ट वैल्यू है हमारे पास, तो इसका जो जनरल सोल्यूशन है वो हमारे पास होगा, ठीक है, इसका जो जनरल सोल्यूशन हमारे पास होगा वो कहलाएगा एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, या फिर अगर हम इसको थीटा कहें, ठीक है, या फिर इसको हम क्या कहें, थीटा कहें, तो थीटा इज इक्वल टू होगा एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू अल्फा। ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन है जब हमारे पास कोई वैल्यू किसमें हो, साइन में कन्वर्ट हो, तो ये हमारे पास का जनरल सोल्यूशन होता है। और ये जनरल सोल्यूशन आपके पास क्या होता है, ये सारे सारी वैल्यूज को क्या करता है, कंटेन करता है। यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज निकल करके आएंगे, तो सारी वैल्यूज को ये जनरल सोल्यूशन कंटेन करेगा, तो उन सभी मानों के लिए आपका ये एक फार्मूला क्रिएट किया जाता है, तो ये कहलाता है जनरल सोल्यूशन, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सपोज करें कभी हो सकता है कि आपके पास साइन में वैल्यू ना हो तो कॉसेक में हो, तो कॉसेक में होगा तो हम साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन अगर हमारे पास कॉस में वैल्यू हो तो हमारे पास फार्मूला क्या होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला है, अगर हम सपोज करें कि वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा टाइप की है, तो अगर वैल्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा टाइप की है तो लीस्ट वैल्यू क्या होगी, थीटा इज इक्वल टू अल्फा। तो जनरल सोल्यूशन की बात करें तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो ये हमारे पास क्या होगा, जनरल सोल्यूशन कहलाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड नंबर फार्मूले की, तो थर्ड नंबर में अगर हमारे पास कह रहा है टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा, तो इसका जनरल सोल्यूशन होता है थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये तीन फार्मूले हैं। इसके बाद कुछ एक्सेप्शन है जहां पर इन फार्मूलों का यूज हम नहीं करते हैं, तो उन एक्सेप्शन में हमारे पास कौन सी वैल्यू है, 90 की वैल्यू होती है, 90 का केस बनता है वहां पर। तो पहला एक्सेप्शन हमारे पास क्या है, नोट में आप ले सकते हैं, यहां पर लिख देते हैं। तो पहला एक्सेप्शन हमारे पास ये कह रहा है कि अगर हमारे पास वैल्यू क्या हो जाए, कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो आप जानते हैं जीरो कहां पर होता है, 90 पर होता है। तो अगर कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो हमारे पास, तो थीटा इज इक्वल टू क्या वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, 2n पाई प्लस पाई बाई टू होता है, ठीक है। क्या होता है हमारे पास, 2n+1 पाई बाई टू होता है। तो ये हमारे पास कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो पर होता है। नेक्स्ट हम बात करें तो दूसरा एक्सेप्शन हमारे पास है साइन थीटा इज इक्वल टू वन पर, तो यहां पर वैल्यू जो होती है थीटा इज इक्वल टू हमारे पास होती है, यहां से जो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 2n पाई, ठीक है, पाई और प्लस का पाई बाई टू। तो ये हमारे पास एक्सेप्शन है। तो देख सकते हैं अगर कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो है तो थीटा की वैल्यू 2n+1 पाई बाई टू आपके पास होगा, ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन होगा। और अगर साइन थीटा इज इक्वल टू वन है तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई टू हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों केसेस आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये हमारे पास इसका एक्सेप्शन है, बाकी के लिए हमारे इन्हीं फार्मूलों का यूज होता है। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे आपके पास क्या है कि सपोज दैट यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/2 है, तो हाई स्कूल लेवल पे हम लोग क्या करते थे कि साइन स्क्वायर एक्स है तो आप स्क्वायर को इधर भेजते थे, तो ये आपके पास 1/√2 एक्स हो जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम इस लेवल पे वो बातचीत नहीं करेंगे। तो सपोज दैट हमारे पास किस टाइप की कोई वैल्यू है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम क्या होगा, तो इधर भी हम स्क्वायर बना लेंगे और स्क्वायर बना के हम यहाँ पर स्क्वायर ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा अगर ये हमारे पास वैल्यू है, या फिर हमारे पास वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा है, या फिर हमारे पास वैल्यू क्या है, टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टैन स्क्वायर अल्फा। तो अगर ये वैल्यू हमारे पास दी गई है, तो इनमें से कोई वैल्यू अगर हमारे पास दी गई है, तो इसका जो फार्मूला निकल करके आएगा, ठीक है,
इन तीनों का जो फॉर्मूला निकल करके आएगा हमारे पास जनरल सॉल्यूशन का, थीटा इज इक्वल टू निकल के आता है एन पाई प्लस माइनस अल्फा, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होगा जनरल सॉल्यूशन का, ठीक है। और अगर हमारे पास टैन का केस है तो एन पाई प्लस अल्फा होता है, लेकिन अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो हम थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा का यूज करते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। एनसीईआरटी लेवल पर आपके पास किस केवल नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, तो ये आपके पास नहीं गिवन है। तो आपके पास जब हम दूसरी आपके क्वेश्चंस आरएस अग्रवाल को देखेंगे तो ये सारी क्वेश्चंस भी हो सकता है उसमें आ सकते हैं, ओके। तो ये आप फार्मूले को याद रखिएगा, वहां पर जब क्वेश्चंस मिलेंगे तो उसको हम वहां पर डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए चलिए हम अपने क्वेश्चंस पर दोबारा आते हैं। तो यहां पर मैंने ये कहा कि प्रिंसिपल वैल्यू आपके पास दो वैल्यू निकल रही थी, क्योंकि हमारे पास जो प्रिंसिपल वैल्यू है 0 से 2 पाई के बीच में, ये दोनों वैल्यू लाई कर रही है, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, ये लीस्ट वैल्यू हो गई। अब हम बात करते हैं इसके जनरल सॉल्यूशन की। तो चलिए अगर हम इसके जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन निकल करके आएगा वो क्या आएगा, यहां से देखिए साइन एस इज इक्वल टू 1/2 है, तो मैंने साइन एस इज इक्वल टू साइन पाई बाय 6, तो लीस्ट वैल्यू पाई बाय 6 आ रही है। तो जनरल सॉल्यूशन यहां से निकल के आएगा एक्स इज इक्वल टू साइन का केस है, तो ये देखिए साइन एस इज इक्वल टू साइन अल्फा का केस बन रहा है, तो इसका हम यूज करेंगे। तो इसका जब हमने यूज किया तो एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू अल्फा का मतलब हो जाएगा पाई बाय 6। तो ये हमारे पास इसका जनरल सॉल्यूशन है। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो ये इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लगाएंगे, इस तरीके से आपके पास वैल्यू है तो ये लीस्ट वैल्यू हो जाएगी और ये वैल्यू हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। और इसका कोई मतलब नहीं है कि हमने समझने के लिए बताया था, ठीक है। तो अगर हमें तीन वैल्यू निकालनी है तो ये आपके पास लिखना होगा, ये आप लिखेंगे, इसके बाद में इसको लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास फिर प्रिंसिपल वैल्यू लिख देंगे और फिर हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसका हमारे पास कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये मैंने केवल समझने के लिए बताया है कि बहुत सारे मान यहाँ पे निकल करके आएंगे, उन मानों को जो कंटेन करते हैं, तो सारे मानों को जो कंटेन करते हैं वही जनरल सॉल्यूशन कहलाते हैं। ये हमने आपके समझने के लिए निकाला है। बाकी अगर इस क्वेश्चन में साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 हमारे पास है, तो अगर ये तीन वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी है तो हमारे पास केवल इतना आप इसको लिखेंगे, तो इस तरह से वैल्यू निकालेंगे। और जो वैल्यू हमारे पास 0 से 2π के बीच में लाई कर रहा है वो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। और जनरल सॉल्यूशन के लिए इसका हम यूज करेंगे साइन एस इज इक्वल टू साइन अल्फा टाइप का, तो हमारे पास ये जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग आपकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, जल्दी से देख लें सर। चलिए, तो हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.4। चलिए एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। यहां पर एक्सरसाइज हमारे पास है 3.4। एक्सरसाइज 3.4 हमारे पास क्या कह रही है, यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो हमारे पास इक्वेशंस क्या है, नंबर फर्स्ट इज टैन एक्स इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है अंडर रूट 3। तो यहां पर दो वैल्यू फाइंड करनी है, एक तो हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, और दूसरा आपके पास इसका जनरल सॉल्यूशन भी, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बात करें, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है इसका, और दूसरा हमारे पास इसका जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड अप करना है। तो ये दोनों वैल्यू आपको फाइंड करनी है इस इक्वेशंस में। तो चलिए हम यहाँ से tan x इज इक्वल टू √3 ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि tan x इज इक्वल टू √3 की बात करें तो √3 tan के किस एंगल का आपके पास वैल्यू होती है, तो ये हमारे पास हो जाएगा tan 60। तो tan 60 को आप रेडियन में कहेंगे तो पाई बाय 3 हो जाएगा, तो यहाँ से जो लीस्ट वैल्यू आएगी वो पाई बाय 3 हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि tan आपका पॉजिटिव कहाँ पर होगा। तो देखिए tan अगर पॉजिटिव की बात करें तो वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और थर्ड क्वार्टर में जब कोई वैल्यू आएगी तो 180 प्लस कर थीटा करना होता है, और 180 प्लस थीटा करेंगे तो थीटा हमारे पास क्या है, पाई बाय 3। तो इसको हम और क्या ले सकते हैं, टैन एक्स इज इक्वल टू टैन पाई बाय 3 को ले सकते हैं, टैन का पाई प्लस पाई बाय 3, ठीक है, क्योंकि टैन पाई प्लस पाई बाय 3 अगर हम इसको लिखते हैं तो इसको ऐसा लिख पाएंगे, तो टैन पाई बाय 3 को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए पाई प्लस पाई बाय 3 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 4 पाई बाय 3 हो जाएगा। और ये जो दोनों वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही हैं एक्स और 4, यहाँ से जो पाई बाय 3 और 4 पाई बाय 3 निकल के आ रही हैं, आप देख सकते हैं कि दोनों वैल्यू हमारे पास किसके बीच लाई करती है, 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रही हैं। तो x की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे पास कैसे सोल्यूशन हो गए, प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गए। सो प्रिंसिपल सोल्यूशन इज
तो tan का जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा वो कहता है कितना होगा पाई बाई थ्री कॉमा फोर पाई बाई थ्री, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। अब हम इसके जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो अगर हम इसके जनरल सॉल्यूशन की बात करें, तो जनरल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ पे देखिए हम इस वैल्यू को लेंगे tan x इक्वल टू tan पाई बाई थ्री, तो फार्मूला हमारे पास यहाँ से लग रहा है tan x इक्वल टू tan अल्फा। और अगर आप ये कहें कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू है इफ tan x इक्वल टू tan अल्फा, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होता है आपके पास, ठीक है। तो देखिए इसको जब अप्लाई करेंगे तो जनरल सॉल्यूशन हमारे पास हो जाएगा x इक्वल टू n पाई, और प्लस अल्फा की बात करें तो लीस्ट वैल्यू को रखेंगे पाई बाई थ्री, तो ये हमारे पास इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास कह रहा है sec x इज इक्वल टू टू, sec x इज इक्वल टू टू हमारे पास गिवन है। तो देखिए इसका प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन दोनों निकालना हमें। तो sec क्या है, sec आपके पास cos में चेंज हो सकता है, देन cos x इज इक्वल टू वन बाई टू। अब यह हम देखेंगे कि 1 बाई टू cos के किस एंगल की वैल्यू होती है, ये हमारे पास cos 60 होता है, cos 60 की बात करें तो ये होता है पाई बाई थ्री, तो यहाँ से जो लीस्ट वैल्यू निकल के आएगी पाई बाई थ्री हो गई। तो पहले तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, हम देख सकते हैं cos पॉजिटिव कहाँ पर होगा। तो देखिए cos पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो cos हमारे पास पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू कैसे होती है, टू पाई माइनस थीटा होता है। तो देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इस वैल्यू को आप ले सकते हैं, और cos x इज इक्वल टू यहाँ से आप ले सकते हैं cos का 2 पाई माइनस थीटा यानी माइनस पाई बाई थ्री, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 पाई में से 3 पाई बाई थ्री को माइनस करेंगे तो 3 इंटू टू कितना हो जाएगा 6 पाई, 6 पाई में से पाई माइनस करेंगे तो 5 पाई बाई थ्री हो गया। तो यहाँ से एक वैल्यू आपके पास और निकल करके आ रही है, तो x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 5 पाई बाई थ्री, और आप देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू हमारे पास लाई कर रही हैं किसके बीच में, ये दोनों वैल्यू हमारे पास लाई कर रहे हैं, जीरो इज लेस देन x एंड ऑल्सो लेस देन आर इक्वल टू 2 पाई, ये x जो हमारे पास है दोनों इसके बीच लाई कर रहा है। तो देखिए दोनों लाई कर रहा है तो इसका मतलब इसमें भी लाई कर रहा है, देखिए 2 पाई के पहले ही आपके पास, और इसमें 2 पाई माइनस थीटा किया है, इसका मतलब ये भी 360 से कम लीस्ट वैल्यू आपके पास दे रखा है, ठीक है, कम वैल्यू दे रखा है। तो यहाँ से इसका जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकल करके आएगा, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, ये दोनों वैल्यू आपके पास हो गए, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज पाई बाई थ्री कामा फाइव पाई बाई थ्री। चलिए अब हम इसके जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो अगर हम जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो जनरल सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे देखिए लीस्ट वैल्यू क्या है पाई बाई थ्री है, तो जनरल सॉल्यूशन हम यहाँ से निकालेंगे, और हमारे पास फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फा टाइप का बन रहा है। तो अगर हम यहाँ से कहें कि कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फा है, तो यहाँ से इसका जो सॉल्यूशन होता है एक्स इज इक्वल टू क्या होता है टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। तो यहाँ से जनरल सॉल्यूशन हमारे पास निकल के आएगा एक्स इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री, तो ये हमारे पास इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड को। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है cot x इज इक्वल टू माइनस का रूट थ्री, cot x इज इक्वल टू माइनस का रूट थ्री, ये थर्ड नंबर है हमारे पास। तो देखिए इस वैल्यू की अगर हम बात करें तो पहले तो इसको tan में कन्वर्ट करेंगे, तो tan x इज इक्वल टू क्या होगा माइनस का वन अपान रूट थ्री। तो पहले तो ये बताएं कि वन अपान रूट थ्री tan के किस एंगल की वैल्यू होती है, ये होता है tan 30, tan 30 का मतलब पाई बाई सिक्स। अब यहाँ पे tan नेगेटिव है, और tan नेगेटिव आप देख सकते हैं कि दो जगह हमारे पास होगा, एक हमारे पास इस क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होगा, यहाँ पर 180 माइनस थीटा होता है, यहाँ पर tan नेगेटिव होगा, और यहाँ पर आपके पास होता है 2 पाई माइनस थीटा होता है। तो इन दोनों वैल्यू पर आपके पास tan नेगेटिव होता है, तो पहले हम पाई माइनस थीटा पर लेंगे, तो इसको आप कह सकते हैं tan x इज इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं tan का पाई माइनस थीटा यानी पाई माइनस पाई बाई सिक्स, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 5 पाई बाई सिक्स। तो इस तरीके से इसके जो लीस्ट वैल्यू निकल करके आ रही है, जो सबसे पहले वैल्यू निकल के आ रही है वो लीस्ट वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू निकल के आ रही है 5 पाई बाई सिक्स। नेक्स्ट आपके पास tan नेगेटिव कहाँ पर होता है भाई, नेक्स्ट tan नेगेटिव हमारे पास होता है यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होगी 360 माइनस थीटा होता है। तो चलिए इसको हमने किया 360 कर दिया, और माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है पाई बाई सिक्स, और आप देख सकते हैं कि tan 360 माइनस थीटा क्या होता है माइनस tan पाई बाई सिक्स, तो इसको हमने ये लिख कन्वर्ट कर दिया। 2 पाई में पाई बाई सिक्स जब आप माइनस करेंगे तो देखिए 2 पाई में पाई बाई सिक्स माइनस करेंगे तो ये जाएगा 6 टू 12, 12 में 7 माइनस करें तो यहां से वैल्यू हो जाएगी 11 पाई बाई सिक्स।
यहां से जो x की वैल्यू निकल करके आ रही है वो आ रही है 11π/6। और ये दोनों ही वैल्यू आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही वैल्यू क्या कर रही हैं, 0 इज लेस देन x एंड आल्सो लेस देन इक्वल टू 2π। ये दोनों ही वैल्यू हमारे पास 0 से 360 के बीच में लाई कर रही हैं। ये वैल्यू जो कि पाई माइनस थीटा है, 360 से माइनस कम ही है, ये भी 2π 360 माइनस थीटा है, तो इसका मतलब ये भी 360 से कम है, यानी दोनों वैल्यू आपके पास लाई कर रही हैं। इसका मतलब ये होगा कि इस केस में जो प्रिंसिपल आपके पास सोल्यूशन होगा, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन हमारे पास निकल के आएगा, नाउ द प्रिंसिपल सोल्यूशन इज वैल्यू हो जाएगी 5π/6 एंड कॉमा 11π/6। ये हमारे पास प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे जनरल सोल्यूशन की, तो चलिए इसका जनरल सोल्यूशन निकालते हैं। तो देखिए अगर हम इसके जनरल सोल्यूशन की बात करें, तो जनरल सोल्यूशन में हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये हमारे पास केस कौन सा बन रहा है, tan x = tan α बन रहा है। तो अगर हमारे पास ये केस बन रहा है tan x = tan α, तो इस केस में जो जनरल सोल्यूशन होता है वो होता है x = nπ + α होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे अल्फा लीस्ट वैल्यू होती है, तो लीस्ट वैल्यू हमारे पास है 5π/6। तो जनरल सोल्यूशन हमारे पास निकल के आएगा x = nπ और प्लस लीस्ट वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 5π/6। तो ये हमारे पास इसका जनरल सोल्यूशन है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है आपको, लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या दिया रखा है, cosec x = -√2। ठीक है, इसको आप साइन में चेंज करेंगे, sin x = -1/2। और ठीक वैसे ही करेंगे जैसे मैंने इसको बताया है। तो ये एक क्वेश्चन आपका हम होमवर्क पे देख रहे हैं, इसको आप कंप्लीट करिएगा। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में आपके नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतने ही रखते हैं, थैंक यू।